आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अनीश ने, और वीडियो का टाइटल है शिवरात्रि फेयर मंडी 2021 सिनेमैटिक वीडियो हिमाचल प्रदेश। इससे पहले भी हम लोगों ने महाशिवरात्रि की वीडियोस देखी हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इसको। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बात करो अगर फेस्टिवल की, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और बहुत ज्यादा डिफरेंट था। हम पहले भी शिवरात्रि के हमने जो है फेस्टिवल देखे हैं, तो उससे काफी अलग किस्म का था। अच्छा, मुझे पहले लगा कि ना ये शिवरात्रि की तरह का होगा, लेकिन ये कि इसका नाम मंडी शिवरात्रि फेस्टिवल है, फेयर है, तो ये तो बिल्कुल टोटल एक डिफरेंट हम लोग को देखना को मिला। और मौसम जो हम लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इंडिया में हर दिन एक फेस्टिवल होता है और हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल होते हैं, और आज हम लोगों ने हिमाचल का फेस्टिवल देखा, तो मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल हमारे लिए एक
डिफरेंट मैं कहूंगी एक्सपीरियंस. बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है मुझे कहता है कि अगर इंडिया में फेस्टिवल्स को देखे छुट्टियां की जाए ना तो पूरा साल ही छुट्टियां रहे, काम पे ना जाए, घर ही बैठे रहे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते रहे. लेकिन ये कि मैं कहूंगी जिस तरीके से वीडियो बनाई गई और शॉर्ट्स लिए गए वो इतने खूबसूरत थे कि देखने का बहुत मजा था और हर चीज उसमें उन्होंने दिखाई गई. और अगर हम थोड़ी सी बात करें इस फेस्टिवल के बारे में तो मंडी शिवरात्रि फेयर जो है वो शिवरात्रि के साथ जो के हिंदू फेस्टिवल है उसी के साथ ही स्टार्ट होता है 7 डेज के लिए. और अगर बात करें तो ये फरवरी या मार्च इन दोनों महीनों में से किसी एक महीने में आता है. बिल्कुल, और इसमें लगभग 200 डाइटी जो हैं वो मंडी जो टाउन है वहां पर एक साथ इकट्ठे किए जाते हैं. और बेसिकली अगर फेस्टिवल की बात की जाए तो ये जो है लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा की जो वर्शिप है उसके तौर पर जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है. अच्छा, थोड़ा सा हम लोगों ने ये पढ़ा भी इसके बारे में ये कि कब स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया. तो इसके बारे में जो हम लोग देखे इसे 1526 में इसको स्टार्ट किया था. और ये स्टार्ट जो है इस वजह से हुआ था क्योंकि इस शहर की यानी कि मंडी शहर की बुनियाद रखी गई थी. तो उस टाइम के जो राजा थे जिनका नाम अजबर सैन था उन्होंने जो है लोकल डिवोटीज जो थे उन्हें बुलाया और जो है यहाँ पर इस शहर की बुनियाद रखवाई. तो तब से ये फेस्टिवल चलता आ रहा है और अभी तक मंडी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. बिल्कुल, और मैं ये देख रही थी मौसम के मतलब डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों को नो बड़ी कलरफुल सा लगा जैसे कि अम्ब्रेलाज थी. बिल्कुल. अच्छा, मुझे एडिटिंग में एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने जो बैकग्राउंड स्कोर था उसके साथ साथ जो ओरिजिनल म्यूजिक था ना जैसे कि अम्ब्रेलाज के साथ ऐसे टसल्स वगैरह लगे हुए थे, छन छन की आवाज आ रही थी, वो बहुत खूबसूरत. और मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा था जो वो जगह जगह जो है ना लेजर लाइट जो है आ रही थी, मुझे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा. खास आई थिंक वो प्रसाद जब दे रहे थे तो वो जो है उनके हाथ पे जब गिरा तो वो भी बहुत खूबसूरत लगा था. यानी कि अगर वीडियो की बात की जाए ना जितना खूबसूरत बनाया जा सकता है उन्होंने बनाने की कोशिश की है. बिल्कुल, और ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग को बहुत मजा आया और एक डिफरेंट तरीके की वीडियो हम लोग को देखने को मिली. अच्छा, एक और चीज मैं बताऊंगी यहाँ पर कि मुझे ना हमेशा से बड़ी ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं. जैसे आप डिफरेंट साइट पर चले जाओ तो आपको उनका अपना कुछ मतलब कल्चरल डांस कहेंगे हम लोग वो होता है, या फिर जैसे कि मतलब फीमेल भी डांस कर रही होती हैं और मेल भी, वो कुछ स्पेशल मूव्स होते हैं जो वो डांस करते हैं वो इतने खूबसूरत लगते हैं. मैं यहाँ पे ये बात करना, जो पहाड़ी लोग हैं ना मुझे उनका डांस बहुत खूबसूरत लगता है बेशक वो कहीं के भी हैं. क्योंकि अभी हमने जो है हिमाचली डांस जो है अभी थोड़ा सा देखा, इससे पहले भी हमने कई क्लिप्स ऐसे देखे जिसमें अरुणाचल प्रदेश जो है वहां के लोगों का, कश्मीर के लोगों का जो है डांस हमने देखा. अगर मैं लोकल बात करूं तो मैंने जो है जो स्वात के लोग हैं उनका भी डांस एक देखा हुआ है तो उनका भी एक अलग अंदाज होता है. तो ये चीजें जो है ना आपको बहुत है लुभाती हैं. हम लोगों को तो भंगड़ा होता है ना हर जगह देखने को मिल जाता है लेकिन ऐसी चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलती है. मुझे इसी तरह याद है मैं एक ट्रेन आती है पिंडी से लाहौर और आगे कराची जाती है, सॉरी पिशावर से आती है, तो उसमें जो है ना कुछ पठान लड़के थे तो रस्ते में एक जगह क्रॉसिंग थी ट्रेन की तो वो लड़के उतर के ना अपने ही म्यूजिक पे स्टेशन पे डांस करने लग पड़े. तो हाँ मैंने बताया था आपको भी. तो लोग जो है ना वो गर्मियां थी तो लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन हुए उनके डांस से. अच्छा, यहाँ पर जैसे कि पहले भी डिस्कस हम लोगों ने किया कि जो ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है मंडी शिवरात्रि फेस्टिवल इसको स्टार्ट किया था राजा अजमेर सेन ने जैसे कि मौजम ने बताया भी. लेकिन अभी जो हम लोग कल्चरल एक फेस्टिवल देखते हैं इसको फॉर्म किया था राजा सूरज सेन ने 1705. और अगर देखा जाए तो लगभग ये 300 साल पुराना जो है फेस्टिवल है. बिल्कुल, और मतलब बड़ा अच्छा लगता है ना जब आप इतनी पुरानी रवायतें आगे नसल दर नसल लेकर चलते हैं और मुझे लगता है यही खूबसूरती होती है. ये आपके लोगों पर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है जहाँ का ये फेस्टिवल होता है कि वो किस तरह चीजों को लेकर चल रही है. बिल्कुल, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी. और अच्छा, एक चीज जो मुझे कॉमन लगी है दोनों में मतलब शिवरात्रि में भी और मंडी शिवरात्रि फेस्टिवल में भी वो ये कि लॉर्ड शिवा को मतलब इसमें उनकी इबादत की जाती है और मतलब जितने भी उनके डिवोटीज हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं. तो कहीं ना कहीं पर
थोड़ा बहुत चेंज जरूर होता है, लेकिन ये कि सब लोग आकर मिलते लॉर्ड शिवा से, मतलब जो हम लोगों ने वीडियोस में ऑब्जर्व किया। वेल गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगेगी। अब हमें इजाजत, आप में से किस किसने ये फेस्टिवल अटेंड किया है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमें इजाजत हमारी वीडियोस लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप अस इन प्रेयर्स। गुड बाय।